कर दिएगा लोगों को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये आज के अभी ये जो एक छोटा सा आप क्लिप देखेंगे, इसका मकसद सिर्फ इतना है कि आजकल जो इन्फ्लेशन हो रही है और ये जो महंगाई का जोर बढ़ा हुआ है, और अभी सुन रहे हैं कि दोबारा से जो ना कोई पेट्रोल और पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, तो उसके हवाले से हम आपको आज, असल में ये रबू भाई हैं और बाबू भाई हैं, इनका पहले भी आपने हमारे पास जो ना एक इंट्रोडक्शन देखा होगा, तो इन्होंने कुछ थोड़े से मामूली से रेट बढ़ाए। इनके पीछे इनकी बड़ी स्ट्रगल होती है, मतलब लॉन्च के अंदर प्रॉब्लम आना, उनकी मेंटेनेंस, उसके अंदर ऑयल, उसके अंदर डीजल और ये तमाम चीज़ें। तो असल में अभी बात हो रही थी तो इन्होंने बताया कि असल में लोग जो ना बहुत ज़्यादा पार्टियां इंसिस्ट करती हैं पुराने रेट्स के ऊपर, जबकि पॉसिबल नहीं है। आप भी समझ रहे हैं कि जिस तरह से इन्फ्लेशन, हमारे एक जो घरों का खर्चा किसी का लाख रुपये का था तो अब 1.5 लाख 2 लाख रुपये पर पहुँच गया, तो इसी तरह से इनके भी घर हैं। इनकी मेहनत भी है, बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो ये हर वक्त अवेलेबल होते हैं। उस दिन हम लोग गए तो लॉन्च ख़राब हो गई, उसके बाद इनको एक नई लॉन्च लेकर हमें वहाँ से रेस्क्यू करने के लिए आना पड़ा। तो मकसद ये एक जिम्मेदारी का काम भी है और एक जो है ना स्ट्रगल भी है इसके अंदर एक्सपेंसेस भी होते हैं, लेबर भी होती है। वो जो लेबर है उनके रेट अभी तक नहीं बढ़ सके, इसलिए कि आप लोगों ने किसी ने कोऑपरेट नहीं किया। तो मैं इनसे ज़रा ना आप लोगों को एक, इन लोगों की जो मुश्किलात हैं इसके अंदर वो हम असल में आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो रबू भाई आप बताइएगा किस किस्म की मुश्किलात हैं इन दोनों? मुश्किलात हमें ये है कि मेरा नाम रबनवाज है जी जी, और मेरा नंबर तो खैर आपके पास हो गई, फिर दोबारा रिपीट कर दीजिएगा आखिर में। अच्छा, असल में देखें कि महंगाई बढ़ रही है, अभी हाल ही में 50 रुपये लीटर पे डीजल जो ना बढ़ा है, तो हम ये कह रहे हैं कि बाकी अखराजात को देखें, 330 रुपये किलो जो ना गैस हो चुकी है, और उसके बाद डीजल प्रति लीटर पे 50 रुपये इन्होंने बढ़ाया है। हम ये कहते हैं कि हमारे अखराजात में जो ना, जारी बात है, अगर हम ये छोड़ेंगे तो हमारे अखराजात जो ना कम होंगे। अब हमारे अखराजात अगर हम कम करते हैं तो हमारी पीछे जो ना वो फुर्सत नहीं होती है कि हम किस तरह बच्चों को जो ना उनका पेट पालेंगे, या हम अपना किस तरह लेबर को हम वो दे सकेंगे। अब मजबूरी है, सिर्फ ये लेबर का भी घर है, उनका भी घर है, जारी बात है। और दूसरी बात ये है कि हम ये कह रहे हैं कि जितना डीजल पर बढ़ाए हमें सिर्फ वो बढ़ा कर दें, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें ज़्यादा आप करके दें, नहीं। अब अगर 10 लीटर पे 50 रुपये के हिसाब से भी 500 रुपये बढ़ गए, अब पहले था खारो डोरो के 7,000 रुपये, अब हमने वो कर दिए हैं 8,000, क्योंकि गैस जो है ना वो भी जो ना 330 रुपये हो गई है, और बाकी जो मेंटेनेंस वगैरह ये वो सब हर चीज़ जो भी लेते हैं वो डबल हो गई है। तो हम कह रहे हैं कि 1,000 रुपये, अब हमारी मेहनत आपने देखी है कि हम मेहनत कितनी करते हैं, झींगा मारना, मछली पकड़ना और आपके साथ कॉपरेट करना, अगर इतना भी हमारा हक नहीं है तो यार फिर हमें हमारे भी छोटे बच्चे इतनी मेहरबानी करें, हम आपके पर ज़्यादा, अगर 5-6 लोग आप हैं तो आपके पर ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 रुपये का आप फी बंदे के ऊपर पड़ेगा, लेकिन हमारे अगर जाते हैं तो 1,000 रुपये जाते हैं। इसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो डीजल बढ़ा है कम अज़ कम वो हमें आप जो है ना वो बढ़ा कर जो ना बड़ी जी। बिल्कुल बाबू भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? बाबू भाई ने जो कहा यही सही है। अच्छा दोस्तों, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जिस तरीके से देखें, अब रोटी की प्राइस में इजाफा हुआ तो उसमें 25 रुपये की रोटी हो गई, और जो 20 रुपये की थी, कुछ लोगों ने रेट नहीं बढ़ाया, रोटी का साइज़ कम कर दिया। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप लोग इनको बढ़ाकर पैसे नहीं देंगे तो ये अपनी सर्विसेज में कहीं ना कहीं पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपकी लॉन्च के साथ अगर 2 लोगों को बेचते हैं या 3 को बेचते हैं तो कोशिश करेंगे वहाँ पर 2 को भेजें, तो जिससे आपको ही परेशानी आनी है। तो इसलिए थोड़ा तो कोऑपरेट करें, क्योंकि इन्जॉयमेंट के लिए भी जाते हैं तो एक इन्जॉयमेंट भी हो जाती है, इन लोगों का भी उसी से बिज़नेस चलता है तमाम सारा। तो कोशिश करें कि इन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कोऑपरेट करें, मतलब नाजायज़ वे में नहीं बल्कि एक जायज़ तरीके से, कि अगर इनका 10 लीटर डीजल अगर जलता है तो 50 रुपये के हिसाब से इनका तो 500 रुपये का डिफरेंस आता है, फिर लेबर जो है इनके साथ जो चल रहे होते हैं उनको भी मज़ीद ज़ाहिर सी बातें लोगों की अखराजात बढ़ रहे हैं तो वो अपनी इनकम भी बढ़ाना चाहते हैं। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे तो मेरे ख्याल है कि 1,000-1,500 रुपये से ये सारा मामला रिजॉल्व हो जाएगा, ये आपको अच्छी सर्विसेज दे पाएंगे। शुक्रिया।